किसी गांव में एक गरीब किसान था। घर में उसकी पत्नी और वो दो ही लोग थे। उनके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। किसान के पास कुल जमा एक गाय और दो बोरी अनाज ही था। पति पत्नी दोनों ही दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते थे, भगवान से शिकायत करते कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया। इस तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो गांव भर में भिक्षा मांगता हुआ उस किसान के घर भी पहुंच गया। जैसे ही साधु ने किसान के घर आवाज लगाई, उसकी पत्नी और उसने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। तुम्हें हम क्या दान में महाराज दें, हमारा तो खुद का जीवन भिखारियों सा गुजर रहा है। ना कपड़े हैं ढंग के, ना घर में अनाज है। भगवान हमारे साथ इतना अन्याय कर रहा है, जबकि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। साधु उनकी समस्या समझ गया। उसने कहा, देवी भाग्य भगवान नहीं बनाता, हमारे कर्म ही भाग्य बनाते हैं। भगवान तो केवल कर्मों का फल दे रहा है। किसान और उसकी पत्नी ने फिर जवाब दिया, बाबा हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो ऐसा जीवन भुगत रहे हैं। हमने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया, लेकिन कभी भी घर में एक गाय और दो बोरी अनाज से ज़्यादा कुछ नहीं रहता। साधु ने कहा, अगर तुम ज़्यादा धन चाहते हो तो मैं एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो जरूर तुम्हारे पास भी बहुत धन और संपत्ति होगी। दोनों पति पत्नी साधु के चरणों में बैठ गए। दोनों ने कहा कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। साधु ने कहा, तो सबसे पहले अपनी ये गाय और दो बोरी अनाज इसे भी बाजार में जाकर बेच दो। पति पत्नी दोनों सहम गए, महाराज अगर ये भी बेच दिया तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, हम तो और कंगाल हो जाएंगे। दोनों ने जवाब दिया। साधु ने समझाया, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो, अगर नुकसान हुआ तो भरपाई मैं कर दूँगा। मैं तुम्हें फिर से एक गाय और दो बोरी अनाज ला दूँगा। डरते डरते दोनों राजी हुए। किसान ने बाजार में जाकर गाय और अनाज को बेच दिया, धन लेकर घर लौटा। फिर साधु ने कहा, अब एक काम करो, इस धन से उन गरीबों को भोजन कराओ जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। किसान ने वैसा ही किया, कई गरीबों को भोजन करा दिया। ये बात गांव जमींदार को पता चल गई। गरीब किसान ने अपनी गाय और अनाज बेचकर भूखों को खाना खिला दिया। उसने तुरंत अपने सेवक को भेजकर किसान के घर एक गाय और दो बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु ने फिर किसान से कहा कि इसे भी बेचकर आओ और कल फिर गरीबों को भोजन कराओ। किसान ने फिर ऐसा ही किया। तो फिर किसी ने उस किसान को दान में एक गाय और दो बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु के कहने पर किसान रोज गरीबों को इसी तरह भोजन कराता रहा और उसके यहाँ रोज दान आने लगे, लोग उसकी मदद करने लगे। ये किसान गरीब होकर भी भूखों को भोजन कराता है। धीरे धीरे उस किसान की ख्याति दूसरे गांव में भी फैल गई। धीरे धीरे दान आने का दायरा बढ़ता गया। बहुत दिन गुजर गए, किसान गरीब से संपन्न हो गया। उसने एक दिन साधु से पूछा कि अचानक मेरे भाग में इतना अनाज और धन कैसे आ गया। साधु ने उसे समझाया कि तू इस धन से दूसरों को भोजन करा रहा है, ये उन्हीं के भाग्य का धन है जो भगवान तुझे दे रहे हैं। हमेशा अपनी असफलताओं और दुर्भाग्य के लिए भाग्य या भगवान को कोसना ठीक नहीं। अपने कर्म बदल कर देखो, सब संभव हो जाएगा। तो बोलिए बजरंग बली की जय। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ।